तो ऑप्शन सी आर्टिकल ट्वेंटी थ्री जो है वो इसका राइट right आंसर है ओके okay, आर्टिकल जो नाइनटीन है वो ये मैंशन करता है कि एवरी वन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल जो ट्वेंटी वन है वो बोलते हैं राइट ऑफ लाइफ एंड राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए एंड आर्टिकल ट्वेंटी एट जो है वो क्या बोलता है कि जो रेलिजियस uh, इंस्ट्रक्शन uh, जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ दीपल इन इंडले तो वहाँ पर वीट और बार्ले जो है वो दोनों ही थी तो ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे किसके शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया तो ये आया था जी बिंबी सार के इसमें ऑप्शन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दू अमंगेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ द गुप्ता पीरियड निम्न में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञानी विद्वान नहीं थे ठीक है तो कौन नहीं थे सिद्धसेन, ठीक है ये जो थे वो क्या थे जैन थे ठीक है बाकी सारे जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे ये जैन मोक थे ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द चालुक्य रूलर्स तो कौन थे इनमें से जी ये वाले ठीक है पुलकेशन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बृहत कथा कोश इज रिटन बाय तो बृहत कथा कोश आपकी किसने लिखी है हरी सेन ने ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन seven द टाइटल ऑफ सिकंदरे सानी was adopted बाय तो सिकंदरा सानी टाइटल जो है वो किसको मिला था अलाउद्दीन खिलजी को ठीक है किसने धारण किया था खुद ही इन्होंने अपने आपको ये टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बैटल डिड नॉट टेक प्लेस इन ऑफ बाबर बाबर के शासन काल में कौन सा युद्ध या लड़ाई नहीं हुई है ठीक है तो कौन सा जो फर्स्ट बैटल है पानीपत का वो कब कभ हुआ था आपका 1526 में हुआ था ठीक है और ये हुआ था आपका बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच में ठीक है बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच में जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था वो पंद्रह छप्पन में हुआ था ठीक है फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स में और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था वो हुआ था आपका अकबर ठीक है अकबर और किसके बीच में हेमू जो राजपूत का राजा था हेमू चंद्र विक्रमादित्य उसके बीच में हुआ था ठीक है तो इसका मतलब जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो बाबर के शासन काल में नहीं हुआ है तो ऑप्शन बी जो अभी पे करेक्ट है बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं जो बैटल ऑफ कनुआ कनवा है ठीक है बैटल ऑफ खनुआ ये जो है वो कहां पर हुआ था ये आपका हुआ था फिफ्टीन टवेंटी सेवन में ठीक है तो ये भी बाबर और जो राजपूत फोर्स थी मेवाड़ की उनके बीच में हुआ था और जो लास्ट है बैटल ऑफ घाघरा ये जो है वो बिहार का जगह का नाम है वहां पर हुआ था ये ठीक है तो ये हुआ था आपका बाबर और सुल्तान ऑफ अफगान के बीच में ठीक है तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है ये भी बाबर के द्वारा लड़ा गया है ये भी और ये भी ठीक है ये 1526 में हुआ था ये 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा एंड बैटल ऑफ घाघरा जो है वो ये हुआ था आपका फिफ्टीन में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ब्रिटिश जर्नल हू डिफीट रानी इंडिया वाज। वो कौन थे इंडिया इज in तो मोस्ट भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन सा है तो ये कश्मीर वैल्य भी है और हिमालय रीजन भी है तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है उसके राइट हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी टोर्नेडोज विच फॉर्म एट सी आर कॉल्ड समुंदर पर बनने वाले टोर्नेडो को कहते हैं बाटर स्पॉट्स बोलते हैं इनको ठीक है इन इसका मतलब क्या होता है टोर्नेडो ओवर वाटर टोर्नेडो ओवर वाटर जो है वो इसका मीनिंग होता है ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कैरेबियन ओशियन करंट बिलोंग्स टू तो कैरेबियन समुद्री धारा किससे संबंधित है आपकी अटलांटिक ओशन से ऑप्शन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द तो जुमा ट्राइब इज फाउंड इन जुमा ट्राइब जुमा प्रजाति कहा पाई जाती है आपकी एमेजोन बेस इन ऑप्शन ए जो, है, वो राइट है. As, तो जो के है उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कैंपोज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दल्फ ऑफ मन्नार इज फेमस फॉर तो ये आपका जो पर्ल फिशिंग के लिए फेमस है गल्फ ऑफ मन्नार द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ़ द फॉलोइंग फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न एच ऑफ दागपुर प्लेट्यू तो कौन बनाता है ये जी आपका राजमहल हिल्स ऑप्शन बी नेक्स्ट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र डज गोदावरी रिवर राइज तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वो नासिक से होती है ऑप्शन बी और गोदावरी रिवर से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आता है कि दक्षिण गंगा जो है वो किसका नाम है तो गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा और गोदावरी जो है वो आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ठीक है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है सबसे पहली जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज गंगा तो आफ्टर गंगा जो सेकंड लॉन्गेस्ट है दैट इज गोदावरी ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ़ दिटीज इन इंडिया हैज ए मोडेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट दस ऑप्शन सी बेंगलुरु में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिच ऑफ द फॉलोइंग केनाल इज नॉट ए पैरिनेल कैनाल केनाल तो कौन सी इनमें से जो है वो पेरीनियल केनाल जो है नहीं है तो इनमें से जो है वो कौन सी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ये सारी जो है वो कौन सी है आपकी पेरिनियल केनाल्स हैं The next question is the the diesel locomotive engines are manufactured at तो कहाँ पे बनते हैं ये वाराणसी में बनते हैं ऑप्शन ए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नॉट ए ठीक है जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का सेंटर नहीं है तो मोदीनगर में भी है आपका ठीक है कानपुर में भी है और कोटा में भी है ठीक है जो कानपुर का कानपुर का जो कॉटन का टेक्सटाइल सेंटर है उसको मैनचेस्टर ऑफ यूपी भी बोलते हैं ठीक है मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो कानपुर का आपका टेक्सटाइल सेंटर है सो so, इसका राइट right आंसर क्या हो गया नन ऑफ दीज ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज दी एज ए तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है कॉन्वैक्स मीर यूज होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई मुद्रा स्फीति नापी जाती है किससे सी पी आई से ठीक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फुल फॉर्म भी इसकी जो है वो पूछी जा सकती है ठीक है कंज्यूमर Price से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिच ऑफ ऑफ इंडिया संविधान की किस अनुसूची में दल विदल विरोध का प्रावधान है किसमें है आपका टेंथ शेड्यूल में ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द इनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड मोस्टली ऑन किसके ऊपर करती है?

महीने के अंदर योजना तो ये जो जो है है वो आपका third, third जो five year plan हुआ था ठीक उसको जो है वो बोलते हैं गौडगिल योजना इसको जो है वो किसने स्टार्ट किया था इट इज स्टार्टेड बाय धनंजय रामचंद्र गौडगिल ठीक है धनंजय धनंजय रामचंद्र गॉडगिल ने इसको जो है वो स्टार्ट करा था इसका मेन एम किया था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज टू इन्हेंस द प्रोडक्शन ऑफ वीट और इसका एक और था कि सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक है तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा यहाँ पे राइट होगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग